शासन जयंती 18 कोड़ा कोड़ी सागर तक भगवान की दिग्विजय सुनने में कितना लंबा काल बीतता है। 18 कोड़ा कोड़ी उसके बाद आदिश्वर की दिग्विजनी चौथा आदिश्वर की दिग्विजनी से कल्याण होता है कि अकल्याण। जो जीव कभी नरक नहीं जाते थे नरक जाए, जो जीव स्वर्ग जाते थे उनमें से बहुत से मोक्ष जाने लगे, पहले स्वर्ग ही जाते। इस तरह से दिव्य ध्वनि पर आरोप आता, वास्तव में तो जीव जागता है तो अपने उपादान से। अब ऐसी दिव्यधनी मिलना भी कितना सैटिस्फैक्टरी, वो दिव्यधनी भी क्या निकलता होगा कि जो कुछ आज प्राप्त है वो सब महावीर भगवान के शासन की है। कोई किसी का करता धरता नहीं है, किसने बताया। मुक्ति का मार्ग पुण्य नहीं है, आश्रय बंध नहीं है, किसने बताया। वस्तु की स्वतंत्रता स्वावलंबन ये किसने बताया। 6 द्रव्य होते हैं, 5 अस्तिकाएं होते हैं, 7 तत्व होते हैं, 9 पदार्थ होते हैं, किसने बताया। 16 स्वर्ग होते हैं, 9 ग्रेवर, 9 नित्य, 5 75 किसने बताया। 7 नरक होते हैं, किसने बताया। कल्पित परिणामों से जीव दुखी होता है, आराधना से जीव सुखी होता है, ये बताने वाले कौन। सबका श्रेय है तो हमारे शासन नए भगवान महावीर, सब बातों का श्रेय। मुनि होने का ढंग बताया तो किसने बताया। ढंग से गृहस्थ दशा में भी रहने का उपाय बताया तो शासन नायक महावीर। सब कुछ का श्रेय
यदि कभी किसी के प्रति जाता है तो वह महावीर होगा। संबंधबद्ध देव महावीर स्वामी पर लट्टू, आपसे हम बहुत प्रभाव और आपके वैभव से, निर्दय की ठाट वाट से नहीं कि आप 5000 धन सुपर हो, सोने की सीढ़ी है, लिफ्ट लगी है, 64 चमर है, 100 देवता आपको नमस्कार करते हैं, ये हमें आकर्षित नहीं कर सकते। आपकी देशना में वस्तु की स्वतंत्रता, एक समय का उत्पाद वे ध्रोह जो महान सिद्धांत बताया, इससे हमें पता चलता है कि सर्वज्ञता कितनी होता है। इस सर्वज्ञ के ही ज्ञान में आई बात है, एक समय में उत्पाद व्यय भोग वस्तु का परिणमन होना, प्राणी पर्याय का व्यय होना और वस्तु ध्रुव बनी रहना, ये वस्तु की एक समय की यानी अभी जहाँ सिद्धार्थ शिखर में पावापुरी में भगवान, और एक समय में 7 राज्यों क्रॉस कर जाए, एक समय कौन जान सकता है इतनी जैसा वस्तु का परिणमन विभाग। ये सर्वज्ञ के बस का काम है, कोई छदमस्त के बस का काम, यानी हर बात में अपन को यदि हर कार्य में ऐसा लगे कि रोटी बन रही है और ऐसा लगे कि महावीर ने बताया कि तू नहीं बना सकता, ये आटा रोटी रूप पढ़ लेते, ये घाटा नफा होता नहीं, महावीर ने बताया कि इसमें उदय निमित्त बनता है, उद्गल की परिणमन है, जीव का ज्ञान है, न राग से पैसा आता है और न उदय से आता है, वस्तु का परिणमन है, ये बताने वाला विश्व में कौन। यदि हमारी सारे कष्टों को मिटाने का यदि कोई आधार सलाए तो हमारे भगवान, एक भगवान जिसने पसंद की उसने अनंत अनंत सिद्धों को समस्त तीर्थंकरों को सबको पसंद, और एक भगवान पसंद नहीं किए तो उसने अनंत अनंत ज्ञानियों के प्रति विराधक भाव पाया। ऐसा उपकारी मन मतलब अपना हृदय बार बार भगवान का स्मरण करता है। अब हम ये दूसरा प्रश्न पूछ रहे कि गौतम स्वामी को मान कहाँ गला था, मान स्तंभ देखते स्तंभ, तो उसमें लिखा कल्याण मंदिर स्त्रोत में बाजीराज एक ही भाव स्त्रोत, एक ही भाव स्त्रोत में बाजीराज में लिखे, ऐसा मान स्तंभ भी पत्थर का, भगवान की भी रचना शरीर की भी पत्थर की, और बैठे हैं जो भगवान जो मुद्रा बैठे वो भी पत्थर की, तो पत्थर को झुकने से तो मान नहीं कर सकते। उन्होंने लिखा बाजीराज मणिराज कि भैया इस पत्थर में और उस पत्थर में बहुत अंतर, क्या अंतर है साहब, एक पत्थर के भीतर भगवान बैठा और एक पत्थर के भीतर स्पर्श रस गंध वर्ण बैठा, ये पत्थर है जो मान स्तंभ का पत्थर, इसमें तो स्पर्श रस गंध वर्ण दिखते, परंतु जो भगवान की मुद्रा वाला पत्थर है ना उसमें सत्ता है, उसकी कीमत है, उसे देख के मान गला। दूसरा संजय भी ये बता ना, मान गला की मान मिला, मान गला ये तो नास्ती से खाई की बल से गला, अरे ऐसा में ऐसे ही भगवान जैसी तो मुनिराज कह रहे थे तू देशी भिन्न आत्मा, अरे मैंने तो देश में सुनी एकदम उन्हें जाति स्मरण हुआ, मुनिराज के मई चंद राजा उस समय गया था मुनिराज की देश में सर विश्वलाक्ष राजा के नहीं सब पूरा कथा, तो याद आ गई सब देश में इतनी विशुद्धि जगी, सारा कसाई का कल चला गया और पवित्रता प्रकट हुई। देखना वृद्ध संग्रह में लिखा कि जैसे ही उनको सम्यक दर्शन हुआ, अभी भगवान की देशना नहीं हुई, अभी महावीर उनके सम्यक दर्शन में निमित्त नहीं हुई, मान स्तंभ भी निमित्त कहलाया है, सचमुच में पूर्व देशना निमित्त, क्योंकि अभी उनको वो मुनिराज देखा है, ऐसे बोलते थे कि तू स्त्री नहीं तू आत्मा, तेरे अंदर भगवान का नाम, तू जननहार करणहार नहीं, ऐसा कह रही थी, एकदम से वो बात ख्याल में आई और उनको सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन प्रकट हुआ और उनके मुंह से क्या निकला बताएगा कोई, जय हो जय हो जय हो भगवान महावीर स्वामी की जय हो, आपका शासन गंभीर है, मुझे आत्मा में अनंत भाव की थकान दूर हो गई, जिस चैतन्य से हम अपरिचित थे आज उसका साक्षात्कार हो गया, आज मुक्ति का द्वार खुल गया,
आज आश्रव बंद, आश्रव के दरवाजे बंद हो गए। आज मुझे लघुनंदन कहा जाने लगे। तू ही विशुद्धि बड़ी, चार ज्ञान के धारी हो, त्रिसठ विद्यों के धनी हो, वाणी खेलने की मदाना प्रदीप भी। आदिनाथ के भगवान के जमाने में भी गर्दन है, क्योंकि वो पहले थी, और इनके जमाने में भी गर्दन है, और इनकी वाणी जब गर्दन बैठ गए तब थी, और उनकी वाणी गर्दन नहीं थे तो भी थी। पढ़ना आप शास्त्र, उनकी सामने गर्दन नहीं, और वृषभ सेन पहले गर्दन है, उन्हीं का बड़ा बेटा। कौन का बड़ा बेटा? आदिश्वर का बड़ा बेटा गर्दन बनते, और वाणी फिर गई और गर्दर नहीं थी। अरे गर्दर के लायक थे वाणी खेली जाए, ऐसा लिखा हो कि ये व्यक्ति गर्दर के लायक बैठा हो तो वाणी खेलेगी, या गर्दर हो तो वाणी खेलेगी। क्योंकि बड़े पुरुष हैं तो बड़े पुरुष की वाणी को झेलने वाले भी बड़े लोग हैं। चक्रवर्ती का दमान कैसा होगा सती जी? चक्रवर्ती जैसा हो तो महावीर का भगत कैसा हो? महावीर बनने वाला होगा, सामान्य व्यक्ति तो नहीं। ऐसे हमारे महावीर भगवान जिनके शासन में अपन जी रहे हैं, और ये शासन 84,000 वर्ष तक थे। अब ये तीसरा प्रश्न है, बताना कि इनको सारा जगत, ये तीन लोग के जीवों की नाथ, इनका शासन, ये इनको मानता कहाँ है? जैन का मान, कल गुरु पूर्णिमा मनाई, वो अपना त्योहार है इनने ले लिया, अपनी अयोध्या है इनने ली, अपनी शिखर जी है भी लेने जा रहे, अपनी गिरनार जी भी लेने जा रहे, ले लो तुम, पर धर्म कहाँ से ले लो, आराधना कहाँ से ले लो, ये थोड़ी छोड़ा लो। तो क्या प्रश्न पूछा था? किसे कहलाते हैं? इनको तो कोई मानते ही, ये बताओ आज पूरा भारत नरेंद्र मोदी की आज्ञा में चलेगा तो यहाँ ठहर सकता नहीं तो भगा दिया जाए। उसके जो कानून है वो राइट हैंड से चले तो पुलिस पकड़ ले, जो जो कानून है। सो इंद्र ने उन्हें सिर झुकाया, इसका अर्थ क्या होता? पूरी दुनिया ने उनको सिर, तुम्हारे बाप सिर झुका रहे हैं तो तुम लगते क्या? ऐसे हमारे भगवान को कोई माने या ना भी माने इससे कुछ असर पड़ता नहीं है, परंतु जिनकी सौधर्य में जैसे व्यक्ति गुरुदेव की भाषा में कहें पिल्ले की तरह हाथ जोड़कर समूह शरण में खड़े होकर सुनते, सौधर्मेंद्र पिल्ले की तरह बैठा जाए। कबीर ने इतना बड़ा समूह शरण बनाया और वो कहता है कि हमें समझ में नहीं आया बन कैसे गया। कबीर को आश्चर्य हुआ बनने के बाद कि बन कैसे गया, ऐसा कैसे बन गया? तो उसने उत्तर दिया, ये साहब आपके पुण्य के चमत्कार है, मेरे बस की बात। ऐसी हमारी शासन नाये, सभी तीर्थंकर ऐसे ही पवित्र होते हैं, और शासन सभी तीर्थंकरों का चलता है, और अपन सब उनकी शासन में जी रहे हैं। कुंद कुंद देव, गिरधर देव, जितने भी भगवान हुए सब ज्ञानी जन ऐसे पवित्र शासन को स्वीकार। अब शासन क्या कहलाता है? शासन कहलाता है कुदरत के काम, भगवान की देशना को शासन के, और शासन में आती है कुदरती व्यवस्था। वितरागी व्यक्तित्व बोलता है यानी देशना खेलती है, सर्वज्ञ रहती है, और तीर्थंकर का जीव है बहुत प्रभावना का योग लेके आता है इस काल में। जब आते हैं तभी के 6 महीने पहले से, गर्भ में आने के पहले से रत्नों की दृष्टि से ही लोग समझ जाते कि महापुरुष, क्योंकि ऊपर जो रत्न है ना उनको अच्छा नहीं लगता वहाँ, कि जहाँ महापुरुष होते उनकी सेवा में आना, यहाँ बरसने लगते, और बड़े लोगों को वहाँ अच्छा नहीं लगता तो इनके पास बार बार, देवियों को अच्छा नहीं लगता स्वर्गों में तो वो माता जी के पास बैठ, माता जी तक को इतना अच्छा लगता है कि मिथ्यात लेके आए और सम्यक दर्शन ले ली थी घरों में बच्चा बच्चा। और पूछता है वो तीर्थंकर का जी कि मम्मी तुम्हें सम्यक दर्शन कैसे हुआ? कि बेटा जब तू आया था ना तभी चमत्कार देख के एकदम मेरा मन कि इसके पुण्य का ऐसा ठाक है तो पवित्रता कैसी होगी, एकदम मन खो गया, अंतर्मुख हो गया और आत्मा की अन्य। उनके जीवन पे विचार करते हैं तो रोना आता है। जब महावीर के 5,56,00,000 भव हुए तो सोचो अपनी क्या दशा है। जब श्रीमद जी का 2600 वर्ष की आयु में 11वें गुणस्थान से गिरने के बाद 700 भव हो सकते हैं तो इस जीव की क्या दुर्दशा रही होगी? जीव को करना नहीं आती अपनी,
ऐसे महापुरुष के जीवन को देख के भी करुणा नहीं, न ज्ञायक का गर्व आता है न संसार की धिक्कार करना। और बहुत गंभीरता से आप सबको भगवान से लाभ लें। एक भजन है उसके माध्यम से अपन इनके गौरव को अभी पढ़ रहे हैं। जिन शासन बड़ा निराला मानो अमृत का प्याला, जिन शासन बड़ा निराला मानो अमृत का प्याला। क्या है वो शासन? सभी द्रव है भिन्न भिन्न निर्भर हमें कर डाला रे, जिन शासन बड़ा निराला मानो अमृत का। यही समझ में आते इसमें अमृत क्या है? सभी द्रव्य स्वतंत्र है। डॉक्टर साहब इसमें कौन सी बड़ी बात होगी? अरे भैया कितना बड़ा बोझ उतार दिया कि तेरी दवाई से लोग ठीक नहीं होता, कितना बड़ा भार उतार दिया। हर द्रव अपनी यात्रा पर है, परिणामशील है, क्रमबद्ध परिणाम रहा। किसी को किसी भी कार्य की कर्तव्य की टेंशन नहीं हो सकती। ऐसे शासन में आए सारे जगत की जीवों को है इंद्रिय ज्ञान, और इंद्रिय ज्ञान में दिखता है पुद्गलादि संयोग, और पुद्गलादि में दिखते है ऐसे निमित्त, और निमित्त को मानता है कर्ता। और भगवान महावीर की आंख से देखोगे तो निमित्त निमित्त दिखेगा और उपादान। ये अमृत लाया उन्होंने, अभी समझ में कहा था महावीर स्वामी किसे के सारा विश्व समझे ऐसा शासन। हर जीव को भगवान ऐसी विनय है कि सारा जगत जिनेन्द्र देव के शासन में जी महावीर के अनुयायी बने, सब अपने दुखों को मेटे। क्योंकि किसी ने दुखी हमें किया ही नहीं है, किसी से हमें सुखी होना ही नहीं है। वस्तु सुख स्वरूपी है, पर द्रव्य न्यारा है। ये भी परिणामशील, वो भी परिणामशील, एक ज्ञान का सागर, एक ज्ञेय का सागर, सब क्रमबद्ध परिणमते हैं कर्तत्व की जगह का। इसका नाम महावीर मिल। जिन शासन बड़ा निराला मानो अमृत का, सभी द्रव है भिन्न भिन्न निर्भर हमें कर डाला रे, जिन शासन बड़ा निराला मानो अमृत का। प्रश्न पूछ रहे बताओ तुमने शिक्षण से करेंगे क्या? ये एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में नहीं है, ये कौन सा धर्म है? एक द्रव्य की सत्ता दूसरे द्रव्य की सत्ता से न्यारी है सारी क्या? ये कौन सा धर्म है? चार भाव में कौन सा भाव? अत्यंत भाव है। एक पर्याय का दूसरी पर्याय में भाव, अभी तो द्रव्य बता रहे, पर्याय में भी अभाव। उपादान में निमित्त का भाव है, कर्तव्य तो कहाँ खड़ा हो सकता? कैसे जी सुखी हो सकता है भाई? बेस तो देखो आप, सर्वत भगवान मिले, आप तो ऐसे गदगद हो जाओ नहाते समय, ऐसा लगेगा मैं जैसे अमृत से नहा रहा हूँ। प्रभु आपने मुझे निर्भर करके, मैं नहीं नहा रहा हूँ क्योंकि पानी मुझे नहीं छू सकता, मुझे पता चल गया मैं जान रहा हूँ और ये जल का प्रणमन जल कर रहा है, नहाने का पाप कैंसिल हो जाए, नहीं पी रहा हूँ नहीं खा रहा हूँ, एक द्रव दूसरे द्रव को स्पर्श नहीं कर सकता, कर नहीं सकता, भोग नहीं सकता। छह द्रव की स्वतंत्रता तो पढ़ लो आप, आधा सा बुखार तो यही करें। बड़े पंडित जी कहते हैं कि मकान बनाना हो तो आर्किटेक्ट, डॉक्टरेट करना हो तो उत्तम जी जैसे डॉक्टर, यदि तुझे सुखी होना हो युग डॉक्टर की सलाह चाहिए, ऐसे ही तुझे सुखी होना हो तो योग परमात्मा चाहिए, देव सास गुरु चाहिए। देव सास गुरु रतन शुभ तीन रतन करता। छह द्रव्यों की स्वतंत्रता अपने चमड़े की आंख से नहीं दिख सकती, नहीं दिख सकती, नहीं दिख सकती। इसके लिए चाहिए आगम चक्कू साहू, इसके लिए चाहिए सर्वज्ञ देव,
क्योंकि एक समय में उत्पाद और व्यय को न्यारा बताने की ताकत सर्वज्ञ, प्राग भाव प्रधंसा भाव बताने की ताकत सर्वज्ञ में उपादान निमित्त को नहीं छूता, एक समय में कार्य होता है। उसे अलग अलग बताने की ताकत अग्नि से चाय नहीं छूती, ये महावीर बता सकते, ये कुंद कुंद भगवान बता सकते। मुहे उदय से जग के प्राणी चतुर गति भरमाए, चतुर गति भरमाए, कर्मोदय से भिन्न आत्मा कुंद कुंद परमाए। मुनि राजो ने खोल दिया मानो मुक्ति का ताला रे, जिन शासन बड़ा निराला मानो अमृत का प्याला, जिन शासन बड़ा निराला मानो अमृत का प्या। किस पर किस कारण से भटक रहे बता सकता कोई, बताओ क्या नाम है? जैना। किस कारण से भटक रहे जी? वो के पढ़ो इसमें कैसे भटक रहे हैं, वो के उद्देश्य अच्छे से पढ़ो। हेलो जैना, कैसे भटक रहे हैं? अरे भैया मैं भूले स्वयं के कर्ममिता में अटकाया हूँ, अब निर्मल सम्यक हृदय लिए प्रभु शासन मनाने आया। बताओ मंगलार्थ किसकी उद्देश्य जगत के प्राणी भला है? स्वयं अपने को भूल, अपनी शुद्ध भूल आप दुख तो फिर ये गलत है क्या? ये गलत नहीं है, ये निमित्त का ध्यान करा। एक लाइन में दोनों भाव भरे, ये निमित्त ऐसा है और ऐसा परिणाम क्षणिक उपादान में बिगड़ रहा है और संसार चल रहा। मुहे उदय से जग के प्राणी चतुर गति भरमाए, चतुर गति भरमाए। अभी समझ में नहीं आता संजय भैया कि ये अपने को भूलने में चार गति भेजना पड़ा, ये समझ में नहीं, इतना बड़ा कौन सा पाप कर लिया, ये समझ में नहीं आता। एक ककड़ी की चोरी और तुमने फांसी की सजा दी, राजा साहब अच्छे से देखो आप गलती क्या हो, तो बेटा तुमने ककड़ी की चोरी नहीं की, राजा को चैलेंज। ऐसे ही हमने कहा कि आइसक्रीम में मजा आ गया, इसका अर्थ है आत्मा में मजा नहीं है, इसका अर्थ है अनंत गुना अब न अनादर चल रहा है अपने चैतन्य पर, अनंत गुना अनादर है तो अनंत गुना एकत्व तो जड़ से ऋषियों से चल रहा है, तो इसकी सजा बताओ क्या होना चाहिए तुमसे पूछ। सत्यघोष से पूछा कि बताओ, ये कह रहा है कि रत्न हमारी चोरी, तुम बहुत ईमानदार हो, तुमने तो नहीं चुराया, पर जिसने चुराया उसको क्या सजा देना चाहिए, उसी से कहवा, उसी से कह। अरे साले को पकड़ करके पांच पहलवानों के मुक्के घरवाने से, पर यदि बेचारा सहन न कर पाए तो मैंने उसे एक थाली भर गोबर खिलाना चाहिए, और बेचारा न सहन कर पाए तो उसकी सारी संपत्ति लूट लेने से। कुछ ने कहा तो यही तो भगवान पूछ रहे, बताओ आत्मा में अनंत आनंद भरा और तू आत्मा को पसंद नहीं करता, बताओ तुझे हम कहाँ भेज दाओ, तुझे कहाँ ये गया है कि जानन हारा है और तू करनार बना, बताओ हम तुझे कहाँ भेज, कोई भेजता नहीं भैया। राम न मारे काऊ को, पापी नहीं है राम, आप ऐसे मर जाएंगे कर कर खोटी काम, और आप ऐसे फिर जाएंगे कर कर अच्छे काम। कर्म उदय से हमारे भगवान ने कहा कि मोह उदय से भटक रहे, अरे सुनो 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 भाई, मोह का उदय यानी द्रव्य कर्मों का उदय नहीं, ये अज्ञान का उदय, इसको मोह का उदय किया और इसका फल है भटक रहा था। तो हमें महाभाग से ऐसी सूखती नदी में कुंद कुंद देव की सरता दे, हमारे जीवन का निहाल हो,
कौन से भाग से कुंडकम भी विधि क्षेत्र गए और प्रयोजन भूत तत्व तो उनको यहाँ मिल गया था, अपने लिए अप्रयोजन भूत बातों को भी समझ में सुनने गए और इतने बाद में आके पंचास्तिकाएं लिखने की ताकत उनमें थी भगवान, क्योंकि वो भगवान ही बता सकते आत्मा संख्यात प्रदेशी है। ये प्रयोजन भूत नहीं था तुम्हारे लिए गए समझ, आत्मा में कितना वैभव प्रयोजन भूत नहीं है, स्वान भूत के चकास्ते प्रयोजन भूत। और उन्होंने देखो विदेशी जा करके सारा इतना वैभव समर्पण, और फिर उनकी परंपरा से मुनिराज ने कमाल कर दिया, सारे जगत के जीवों को निहाल कर दिया, भरत चित पंचम काल चौथा काल बन गया। वीत रागी है देवो हमारे, उनसे हम क्या मांगे, रत्ना प्रे वैभव के आगे स्वर्ग धूल सम लागे रे, स्वर्ग धूल सम लागे रे, सारी दुनिया में नहीं देखा, सारी दुनिया में नहीं देखा, तुम सा देने वाला रे, निराला मानो क्या। अभी एक भाई को लड़का नहीं हो रहे थे, उन्होंने कहा महावीर भगवान लड़का थे, तो महावीर बोले हमें इन्हें शादी नहीं कराएगा। पार्श्वनाथ के पास गए कि आप हमारा केस निपटा दो, कि हमें ये केस नहीं निपटता, हम क्या करें बस। यानी कहना ये कि कोई किसी का करता धरता नहीं है, वितरागी भगवान कैसे दे दे और कैसे मांगने की तुम्हारी भावना, तो अगर फिर भगवान के भगत दुखी रहते हैं कि सुखी, सुखी रहते हैं। जैन में दो व्यक्ति चर्चा करते हैं कि यार ये जैनी लोग बहुत धनी हो और सारी दुनिया गरीब हो, ऐसा क्यों है? तो एक ने कहा पता है तुम्हें, महावीर स्वामी सबसे बड़े आदमी थे और जब भी दीक्षा लेने गए तो उन्होंने अपनी सारी जायदाद सबको गाड़ दी कि शांति से आप लोग रहो, और अपने विष्णु भगवान अपनी लक्ष्मी मैया के साथ रहते हुए छोड़ते नहीं, इसलिए अपन सब गरीब हैं और जैनी। अरे जैनी गुटखा नहीं खाता, जैनी बिस्लरी नहीं लेता, जैनी को रात में फुर्सत नहीं, जैनी के एक टीवी में सारे घर के लोग बैठ जाते हैं, कुछ अंतर होगा कि नहीं? इनके पैसा बर्बाद नहीं होता, ये चटनी रोटी खा ले, नमक रोटी खा ले, ये पापड़ नहीं चले, चल नहीं हो तो चल जाएगा, अब अक्ष नहीं खाते तो ये पैसा ही पैसा तो इकट्ठा होता जा रहा। तो भगवान कुछ देते नहीं है, ये सब हिसाब आप पढ़ना तो उसमें लिखा है कि हे भगवान आपके पास हम क्यों मांगे। जब वृक्ष के नीचे जाने पर छाया अपने आप मिलती है तो मांगने की जरूरत है, अपने इतनी बात सब कहकर के और बेइज्जती करें, मैं क्या मांगूं भगवान, मैं तुमसे क्या मांगूं, मैं क्या मांगूं भगवान, मैं तुमसे क्या मांगूं, मेरे रोम रोम में बस जाओ भगवान, और मैं क्या मांगूं, धन नहीं मांगूं भगवान, धन नहीं मांगूं, झूठे जग की शान न मांगूं। देखना संजय ये क्या मांगता है, देना हो तो इतना दे दो, देना हो तो इतना दे दो, हो आप समान और मैं क्या मांगूं। कितना चतुर है, अरे भगवान का भगत चतुरी होने, मूर्खों को इधर काम क्या, पुण्य जलाते जो काम न करे। तो हमारे मणिराजों ने कुछ नहीं दिया और सब दिया, क्योंकि रत्नात्रय की धारी थे तो रत्नात्रय की विभूति सौंप के चले। पंचम काल लगा भारी, अध्यात्म की नदियां सूख गई, सूख गई, प्राणों की कीमत देने पर जिनवाणी लिपिबद्ध हुई, मुनिराजों ने
कीर्तन करेगा विरह बुलाही नाला रे जिन शासन बड़ा निराला मानो अमृत का प्याला जिन शासन बड़ा निराला मानो अमृत। महावीर स्वामी चले गए, पिताजी भी चले गए, अब बताओ अपन को मार्गदर्शन कौन। तो धर्षण स्वामी की करुणा वर्ष ही भगवान इन जीव का क्या हो, ये हमारे महावीर तो अब नहीं मिलेंगे। अब अन्य मणियों को जो द्वाद स्थान का ज्ञान था वो भी नहीं मिलेगा, कल से ये क्या करेंगे, किसके सहारे जिए। तो किसी करुणा वर्ष से दो योग मुनीश्वरों को बुलाया और ये सारा वैभव सौंप के था, ओ बेटा तुम दोनों जाओ, हमें तुम्हें राग ना हो, राग आग है, राग हिंसा, दोनों को भेजा। बहुत योग जीव थे, उनके बल से या जो अपना प्रथम स्कंद है आज सुरक्षित है। हमारे पुष्पदंत भूतबली भगवान की थे, बोले पुष्पदंत भूतबली भगवान की, धर्षण मुनि राज की, बड़े महान। फिर गुरुधर आचार्य हुए, जिन चंद्र मुनि हुए, अपने कुंद कुंद के गुरु थे जिन चंद्र मुनि, माघ नंदी 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 परंपरा चलती थी उनके, उसमें अपने कुंद कुंद पद्म नंदी मुनि था। और फिर कुंद कुंद देव को तो साक्षात विदेश क्षेत्र जाने का ही होगा, साक्षात भगवान का दर्शन हुआ दिव्यदेशना, एक सप्ताह तक उन्होंने श्रवण किया और ऐसा रस भरा, ऐसा लगे कि क्या उलीजते हैं भारतवासी। तो वो भरत क्षेत्र के भव जीवों के भाग्य से पांच ग्रंथ अकर्ता दृष्टि वाले के काम, जिसकी नजर नहीं है कि मैं कुछ कर सकता हूँ, उसकी कलम से भरत क्षेत्र निहाल हो गया। और आज जो कुछ मिल रहा है अध्यात्म द्वितीय स्कंद, उसमें श्री किसको जाता है, आचार्य कुंद कुंद देव को, गणधर देव की बात किसका नाम आता, कुंद कुंद देव का हर मूर्ति में किसका नाम है, कुंद कुंद देव और महावीर में क्या नियम सार में आता, कि जो मुनि राजों में और भगवान में अंतर डालता है ये जड़ परिणाम, ये पर्याय बुद्धि वाला, ये समझता नहीं कि दोनों एक समान हो। अंतिम है, आओ हम उन ऋषि मुनियों का हे आज चुकाएं रे, हे आज चुकाएं तत्व ज्ञान का अमृत पीकर अपनी प्यास बुझाएं रे, काले देव किसे मिल गए जिसे आत्मा में, स्वामी जी किसे मिल गए जिसे आत्मा में, आत्मा की रुचि हो गई तो मुनीश्वरों का मिलना धन, पर नहीं तो नहीं मिले भाई, पुण्य के उदय नहीं मिला दिए, तुमने नहीं मिलाए प्रसार से नहीं। तो अपन को क्यों चाहिए, क्या करना चाहिए, किस लिए शासन आया है, तो कहते हैं आओ हम उन ऋषि मुनियों का ऋण ही आ चुका, उन्होंने तो महाकृपा की, कैसी कृपा की कभी परिचय हो, एक एक कांटे से छेद बनाते होंगे, कैसे लिखे गए होंगे, तो क्या किया होगा, कितना ये जो सातवें से नीचे छठवें में आने वाले हैं उनको कैसा लगा होगा सातवां छोड़ते समय, और छठवा में जैसे जल से निकली हुई मछली तड़पती है, ऐसा तो जगत में मुनिराजों का परिचय पद्म नंदी में गिनाया गया, तो अभी वो हमारे और आपके लिए क्या कर गए। वो कहते भैया अपना जीवन धन्य कर दो, अभी जो विशुद्धि है, अभी जो क्षेत्र है, अभी जो मनुष्य पर्याय है, अभी जो पुण्य का उदय देवसास गुरु का, ये रोज रोज मिलने वाला नहीं, बहुत गजब का योग, अब तो सर्व प्रकार से अवसर आ चुका है। तो उन्होंने कहा कि ऋषि मुनियों का अपन ऋण चुका दें, कैसे चुकाओ, कि जैसे उनकी
स्वाधीन जिंदगी बीत रही है, सुखी है, ऐसा तुम भी स्वाधीन जीवन जियो तो तुमने मणिराजों को पहचाना और उनका रण। सुनो अभी हम वहां से आ रहे हैं, कहां से देवलाली गए, वहां एक उदाहरण ऐसा होता है, एक व्यक्ति है जिसमें मोबाइल में आजकल आते हैं ना बाहर से, एक ट्रक में 20 जानवर या 25 जानवर की लेने की व्यवस्था और उसमें कसाई 50 जानवर भरा और ये बैठ ना पा खड़ी नहीं चाहिए, बैठेंगे मर जाए, बैठने ठीक है खड़े रहने चाहिए घसे। अब उनको खड़े होने में पानी और भोजन की याद ना आए, इसके लिए क्या करना चाहिए, तो उनकी आंखों में हरी मिर्ची ऐसी लगा दी तोड़ के और ऐसी करके आंखों में 50 जानवर की आंखों में ऐसी लगा दी। अब निरंतर अश्रु की धारा बहेगी, जब आज धारा बहेगी तो रोएगा कि खाने की सोच, रोएगा कि पानी की सोच, और मरना चाहिए नहीं, 3 दिन में पहुंचेगी। गुना से बॉम्बे पहुंचने में ट्रक को 3 दिन लगते हैं, मरना भी चाहिए नहीं चाहिए, पानी भी नहीं चाहिए, भोजन भी नहीं मिलना, मेरी इसको इच्छा न हो, समझ में आया ये क्या कह रहे, समझ आप ही लाए। फिर हमें कोई दुखी करने वाला नहीं, कब, जब तुम्हें आत्मा का सुख आने लगेगा तो तुम्हारी सारी विषयों की डिमांड खत्म, अब हमें नहीं चाहिए सर, कुछ नहीं चाहिए हमें। जब हम जा रहे थे तब गुरुदेव ने कहा कि राजा किसी बात से अपनी रानी से नाराज है और उस रानी से इतना नाराज हो गया कि तल घर में पिंजरा बनाए लोहे का और पैर में इतना वजनदार सामग्री लटकाई कि पैर उठ न सके और कौन रोटी वो देता था और उसका पापा जिंदा उसका परिवार और बताए 3.5 वर्ष तक उसी पिंजड़े में रखा। एक व्यक्ति ने पूछा कि वो आहार पानी क्या करती होगी, तो बोले वही कौन रोटी का हा और मर्यादित पानी और वहीं लेटते और वहीं दुर्गंध में बास। समझ में आया स्वामी जी इतना कह के नहीं रुके, ये सब तुम्हारी दशा है जो भूतकाल में एक बार की अनंत बार। बड़े पंडित जी कहते ये लाड़गंज बड़े द्वारा पर इस प्रवचन साल में पायल वाली मार्केट में जहाँ पर आज बैठे हैं इसी तरह बैठ के तुमने अनंत बार समय साहब से बड़े पंडित जी पंच परावर्तन पढ़ के आ समझ में आ जाएगा। ये कह रहे भाई साहब छुकाव कर रहा तत्व ज्ञान की ये अंतिम लाइन है, आओ हम उन ऋषि मुनियों का निरय आज चुकाए रे, निरय आज चुकाए तत्व ज्ञान का अमृत पी कर अपनी प्यास बुझाएंगे, काले अनंत हमें फिर कोई दुखी न करने वाला रे, जिन शासन बड़ा निराला मानो अमृत का। किसे दर्शन करने आते आना चाहिए, हे भगवान आप हमें आत्मा दे, हे भगवान आपकी देशना हमें आ रहा स्वभाव बताती, हे भगवान हमारा कर्तव्य का बोझ उतार देते, हे भगवान हमें परावलंबन से बचा के स्वावलंबन की प्रेरणा देते, आपकी मुद्रा देती, आपकी वाणी देती, आपका शासन देता है, धन्य हो प्रभु आपकी जय हो, आपका शासन जयवंत बरते, आपका शासन हमारे जैसे कभी न छूटे जब तक प्रभु मुक्ति की प्राप्ति। ऐसे महावीर भगवान महाभाग से मिले आचार्य परमेश जी स्वामी जी ज्ञानी जन बड़े पंडित जी जिन जिन का अपने चित्त में उपकार हो उन्हें बहुत बहुत आदर देना और इस शासन को धन्य करना। सहजानंद।